बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो बिग बॉस के 16वें सीजन का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। हर बार की तरह इस बार भी शो में कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं, लेकिन इस बार कंटेस्टेंट के साथ साथ सलमान खान की फीस को लेकर भी काफी चर्चा है। बता दें कि बिग बॉस को सफल रियलिटी शो बनाने में जितना योगदान सीजन के कंटेस्टेंट का होता है, उतना ही शो के होस्ट सलमान खान का भी होता है। हर सीजन में जब भी सलमान खान ये कहते हैं कि अगले साल वह इस शो को होस्ट नहीं करेंगे, तो मेकर्स उनकी फीस में बढ़ोतरी कर एक्टर को राजी कर ही लेती है। सलमान खान की इस शो में काफी डिमांड है और यही वजह है कि सलमान खान को इस शो के लिए मुंह मांगी रकम भी मिलती है। इस बार भी सलमान खान इस शो के लिए इतनी ज्यादा रकम ले रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें कि सलमान खान ने एक बिग बॉस सीजन से इतने पैसे कमा लिए हैं कि उतने साउथ इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर भी नहीं कमा पाते। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान ने बिग बॉस के पिछले सीजन यानी कि बिग बॉस सीजन 15 के लिए 350 करोड़ रुपए की फीस ली थी। वहीं अब बताया जा रहा है कि 16वें सीजन के लिए सलमान खान ने अपनी फीस 3 गुना बढ़ा दी है, यानी कि बिग बॉस 16 के लिए अभिनेता तकरीबन 1000 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं, जिसके चलते अब चारों तरफ बिग बॉस सीजन 16 की ही चर्चाएं हो रही हैं। बता दें कि नए सीजन का प्रीमियर अक्टूबर 2022 में होने की उम्मीद है। निर्माता सक्रिय रूप से शो के लिए कंटेस्टेंट का चयन कर रहे हैं। बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट की लिस्ट में लॉकअप विनर मुनव्वर फारूकी, टिकटॉक फेम फैसल शेख, टीवी अभिनेत्री शिविंग नारंग और विवियन डिसेना का नाम भी शामिल है। वहीं पूनम पांडे, जनस जुबैर, कनिका मान, साईशा शिंदे, प्राची देसाई, दीपिका सिंह के नामों पर भी चर्चाएं की जा रही हैं। वेल, अब देखना रहेगा कि इस बार बिग बॉस के नए सीजन में हमें क्या क्या नया देखने को मिलेगा। खैर, आप कितने एक्साइटेड हैं बिग बॉस सीजन 16 को देखने के लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।